आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेसिक हेल्थ लॉजिक। कोरोना के जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। क्या है ये आरटीपीसीआर टेस्ट, चलिए देखते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स में डीएनए और आरएनए होते हैं। किसी भी चीज की सटीक पहचान उसके डीएनए से होती है। अब जो हमारा कोरोना वायरस है उसमें असल में डीएनए होता ही नहीं है, उसमें होता है आरएनए। अब बताइए, एक तो यह घातक बीमारी और जो इसकी पहचान कराने के लिए जो मुख्य घटक था डीएनए, वो तो उसमें होता ही नहीं है, उसमें तो होता है आरएनए। कोरोना वायरस की अगर आपने शक्ल देखी होगी तो उसके स्पाइक्स कुछ इस प्रकार होते हैं। अब हमें ये पता है कि आरएनए से जांच तो होती नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसी आरएनए को वापस बदल लेना चाहिए डीएनए में। यह देखिए, ये डीएनए और आरएनए का रिश्ता कैसा है। जब डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेंगे तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब COVID-19 की जो जांच होती है वो आरटीपीसीआर कहलाती है। वायरस अपने बॉडी में एंटर करने के तीन ही रूट हैं, आँख, नाक और मुंह। ज़्यादा करके सभी लैब टेक्नीशियन थ्रोट स्वैप लेते हैं या फिर नेजल स्वैप। अब इस टेस्ट को लेकर सभी में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो आज यही कंसेप्ट क्लियर करना है। आरटीपीसीआर में होता है सिटी स्कोर, माने साइकिल थ्रेशोल्ड स्कोर। वो बताता है कि आप दूसरों को कितना इन्फेक्ट करेंगे। अगर आपका स्कोर 24 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे। अपने आस पड़ोस वालों को, अपने परिवार वालों को, माता पिता को, सभी को संसर्गित कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 25 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब आप इन्फेक्ट कर सकते हैं पर कम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको COVID-19 नहीं है, के अंदर वायरस का लोड बहुत कम है, और या फिर अलग अलग चीज़ें जो आपको बहुत कंफ्यूज कर रही है। दूसरी बात, आरटीपीसीआर जो है लेट स्टेजेस में नेगेटिव आ सकता है, तो हमें सिर्फ आरटीपीसीआर पर ही अपना डायग्नोसिस नहीं करना। इनके डायग्नोसिस करने के लिए और भी चीज़ें होती हैं, जैसे रेडियोलॉजी में एक्सरे, सिटी स्कैन, इसमें हम पता कर सकते हैं कि आपको कोविड न्यूमोनिया है कि नहीं है। फिर एक बार आपका कोविड डायग्नोस हो गया, उसके बाद हम देखते हैं बेसलाइन टेस्ट करके। कुछ बेसलाइन टेस्ट होते हैं, LFT, RFT, CRP, इंटरल्यूकिन 6, LDH, ये सब टेस्ट कराते हैं सिर्फ ये पता करने के लिए कि आपके अंदर बीमारी का इन्फ्लेमेशन कितना बड़ा हुआ है। अब अगला सवाल ये आता है कि कब कराना चाहिए। सबसे सही समय है आरटीपीसीआर कराने का 5 से 8वें दिन के बीच में, जब से आपको एक्सपोजर हुआ है। इन मोस्ट ऑफ केसेस 5th डे के बाद ही आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है। और फिर भी अगर निगेटिव बताता है और अगर आपको लक्षण है, सारे सिम्टम्स हैं, तो आपको ज़रूरत है सिटी स्कैन और एक्सरे कराने की। तो ये आज का टॉपिक था हमारा आरटीपीसीआर जांच के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज आरटीपीसीआर के बारे में आपको सही जानकारी मिली होगी।